मूवी देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो पहले बोला जा रहा है ना, बिना मूवी देखे बोले जा रहे हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं। और टिकट अवेलेबल नहीं हो रही है, लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं टिकट के लिए, तो हाउसफुल जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कोई मूवी नहीं देखने आ रहा, सब लोग मूवी देखने आ रहे हैं। एक ऐसी मूवी है जिस तरीके से विरोध कर रहे थे जो अंधभक्त, मैं कहूंगा कि आप आ जाओ, मैं अपने टिकट पे आपको दिखाता हूँ। जो देशभक्त है उसको आप देशद्रोह बतलाते हैं, जो देशद्रोही है उसको आप देशभक्त बतलाते हैं। अंधभक्त क्या जानेंगे कि शाहरुख खान क्या है, 2 रुपये में ट्वीट करते हैं, 5 रुपये में फेसबुक पे डाल दिया, हल्ला मचाया, तो वो तो पॉलिटिक्स है उनकी। देश को हम जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि इस देश को अंधभक्तों के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं। आपको पैसा दे के भेजा है। ये तमाम लोग आ रहे हैं, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी, बहुत। स्टार कितने स्टार देना चाहेंगे? 5 out of 5। 5 out of 5। और प्राची साध्वी तो बोल रही है कि कोई भी आ नहीं रहा, सिनेमा हॉल खाली है। नहीं नहीं, सिनेमा हॉल पूरे भरे हुए हैं, सारे कि शाहरुख खान ने। कैसी लगी मूवी? मस्त मूवी, मस्त मूवी। कितना स्टार देना चाहेंगे? 4। अच्छा, तीसरा दिन है आज, लोगों की इतनी जमा, इतना लोग भीड़ भरी पड़ी है, पूरी सिनेमा हॉल भरा हुआ था। जी हाँ, भरा हुआ सुबह से। जी बिल्कुल। तो आज तीसरा दिन है, आप देख सकते हैं तमाम लोग जो है आज भी खुश है। कैसी लगी मैम मूवी? बहुत अच्छी। स्टार कितने देना चाहेंगे? मैं तो 4। 4? अच्छा, 4 क्यों, 5 क्यों नहीं? बहुत टाइम बाद शाहरुख खान की जो है फिल्म आई है, तो कैसी लगी? बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया। और कैसी मूवी लगी? बहुत बढ़िया। कैसी मूवी, कैसी लगी आपको? पठान की थी। कम से कम 3 बार मैम, कम से कम 3 बार। हाँ, तीसरा दिन है और आज 3 बार और देखना चाहिए। अच्छा, तो तमाम लोगों के आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोग आ रहे हैं, और जोश है, उत्साह है इन लोगों के अंदर। जो आज तीसरा दिन है पठान का, वो आज भी जोश खरोश में है लोग, और तमाम लोग आज भी आ रहे हैं 3-3 बार देखने के लिए बोला जा रहा है। और तीसरा दिन है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो सबने देखा होगा, सबने रिव्यू किया है, 100 करोड़ पार कर गई है ये मूवी। और आप देख रहे हैं कि आज भी यहाँ बत्रा रील्स पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे तमाम लोग जो आए हैं तो यहाँ पर मूवी देखने आए। शाहरुख खान इतने टाइम बाद पर्दे पे आए हैं, कैसी लगी आपको मूवी? बहुत अच्छी लगी। आउट ऑफ 5 कितना स्टार मिलने चाहिए? 5 out of 5 मिलने चाहिए। क्या कुछ ऐसी चीजें जिसके आधार पे बायकॉट की जानी चाहिए फिल्म के अंदर थी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भगवा रंग जो बोला जा रहा था? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसमें वो ऑरेंज है तो उसमें ग्रीन भी है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कलर के अंदर जो सबसे अच्छी आपको चीजें लगी हो? शाहरुख खान की एक्टिंग, जॉन अब्राहम। यस, मुझे नहीं पता था कि बोला जॉन अब्राहम भी है, वो बिल्कुल सरप्राइज। बोला जा रहा है कि पठान और बाहर के विदेश, पाकिस्तान और इन सबको जो फिल्मिस्तान वगैरह है, जो उनको दिखाया जा रहा है, जो अफगानिस्तान को अच्छा दिखाया जा रहा है, और जॉन अब्राहम जो है वो इंडिया के खिलाफ दिखाया, अशोक चक्र मिला है उसे। वो पहले मिला था ना? हाँ, पहले मिला था। बट आप मूवी देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जो पहले बोला जा रहा है ना, बिना मूवी देखे बोले जा रहा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। डायलॉग शाहरुख खान का, शाहरुख खान के कोई डायलॉग याद हो अभी आपको? शाहरुख खान का कोई डायलॉग अभी फिल्म का, पठान का? चलिए, तो फैन है शाहरुख खान की? फैन, बहुत बड़ी फैन, बहुत बड़ी फैन है ये तमाम लोग। जॉन अब्राहम की भी फैन है, तो जॉन अब्राहम का रोल कैसा लगा आपको? उसका रोल मुझे बहुत अच्छा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि जॉन अब्राहम भी है, बट हाँ। अच्छा, सलमान की भी एंट्री है इसमें? हाँ, सलमान की भी, भाई जान भी आ गए, भाई जान, तो मतलब और बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। आप क्या, जॉन और शाहरुख खान की टक्कर, भाई जान भी है इसमें, बढ़िया दोनों। लास्ट स्टार देना चाहेंगे? 5। 5 of 5। और जो पठान का बायकॉट कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया मूवी है। सुरेश चौहान के जो है सुदर्शन न्यूज के, वो बोल रहे PVR खाली पड़े, कोई सुअर भी देखने नहीं? नहीं नहीं, फुल है, फुल। हाँ, सब फुल है, संडे तक फुल है। मुश्किल से टिकट मिली? यस, मुश्किल से। टिकट्स तो ऐसी बांटी जा रही है फ्री में? नहीं नहीं, खाली पड़े हैं। ऐसा कि हमें संडे तक टिकट नहीं अवेलेबल होगी, बट लकीली हमें टिकट मिल गई। तो थर्ड डे है आज, लोगों का वैसा ही उत्साह है जैसे फर्स्ट डे था? यस, बिल्कुल वैसा, सेम बिल्कुल वैसा है। और टिकट अवेलेबल नहीं हो रही है, लोग बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं टिकट के लिए, तो हाउसफुल जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कोई मूवी नहीं देखने आ रहा, सब लोग मूवी देखने आ रहे हैं। तो तमाम लोग यहाँ पर निकल रहे हैं, आप देखिए थर्ड डे है और आज भी लोगों का उत्साह देखने वाला है। और भी यहाँ पर लोग जो खड़े हुए हैं उनसे भी पूछ लेते हैं
क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रिंस नाम हुआ। तो प्रिंस जी, ये पठान मूवी आपने देखी? पठान मूवी तो अब तक मैंने 3 बार देख चुका। 3 बार देख ली? हाँ। इतने बड़े फैन है क्या? अरे बहुत बड़े फैन है। अच्छा, तो कैसा लगा रोल? देखिए, पठान एक ऐसी मूवी है जिस तरीके से विरोध कर रहे थे जो अंधभक्त, मैं कहूँगा कि आप आ जाओ, मैं अपने टिकट पे आपको दिखाता हूँ। पठान ने एक स्टेडियो टाइप जो था उसको तोड़ा है। अच्छा। सबसे पहले मैं बताऊं पठान में मुझे क्या अच्छा लगा। पठान में मुझे सबसे बेस्ट ये उनका लगा कि जिस तरीके से सारे डायरेक्टर जो हैं, है ना, या स्क्रीन राइटर जो होते हैं, स्टोरी राइटर जो होते हैं, एक मुसलमान को विजुलाइज करते हैं, है ना, एज अ टेररिस्ट। इसमें वो चीज़ें नहीं दिखाई गई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ शाहरुख खान को, उनकी पूरी टीम को, कि आप किसी आतंकवादी को दिखा रहे तो उसके सर पे आपने टोपी लगा दिया, दाढ़ी बढ़ा दिया और दिखाया कि ये आतंकवादी है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, है ना। ऐसे तो फिर देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है, जिसने गांधी को मारा, उसे आतंकवादी दिखाइए आप। लेकिन आप दिखाते हैं मुसलमानों से भी रिलीज होने वाली। हाँ, तो वही तो जो देशभक्त है, जो देशभक्त है उसको आप देशद्रोह बतलाते हैं, जो देशद्रोही है उसको आप देशभक्त बतलाते हैं। तो इसलिए खराब करने की कोशिश की जाती है। छवि और दाढ़ी दिखा, छवि तो मुसलमानों की बहुत शुरू से खराब किया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, कि देखिए ये टेररिस्ट है। अरे भाई, पाकिस्तान के बारे में बतलाते, हर मूवी में क्या है, पाकिस्तान को दिखा दिया, पाकिस्तान के लोगों को दिखा दिया, वहाँ के आतंकवादी है। भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब लड़ाई हुई 1965 में, तो पाकिस्तान के खिलाफ, है ना, सीने ठोक के सामने जो खड़ा रहा उसका नाम था अब्दुल हमीद। आप दिखाते हैं कभी किसी भी मूवी में कि अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को धूल चटाया? आप दिखाते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया? तो ये तो पॉलिटिक्स है यहाँ पे, जो मुसलमानों को दिखाकर, पाकिस्तान को दिखाकर बस यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। बाकी सबसे बेहतरीन मुझे जो लगा शाहरुख खान का, तो गुड लुकिंग तो भाई वो किंग है, किंग ऑफ रोमांस कहा जाता है। ये अंधभक्त क्या जानेंगे कि शाहरुख खान क्या है? 2 रुपये में ट्वीट करते हैं, 5 रुपये में फेसबुक पे डाल दिया, हल्ला मचाया, तो वो तो पॉलिटिक्स है उनकी। शाहरुख खान जो है ऐसे ऐसे हजारों करोड़ों अंधभक्त को खरीद सकता है, उसकी हैसियत ये है। तो शाहरुख खान तो रोमांस बायकॉट करने वाले ऐसे ही है, आके गाली दे देना किसी को, किसी कम्युनिटी के खिलाफ बोल देना, समाज को तोड़ना, ये क्या जर्नलिज्म है? जर्नलिज्म का लगा के गोलियां दागते हैं वो, देखा है ना? जर्नलिज्म का मतलब होता है माध्यम। माध्यम किसे कहते हैं? कि सरकार और जनता के बीच एक माध्यम है, कि सरकार की क्या नीति है, खराब नीति है तो उसके बारे में विरोध कीजिए, जनता को बतलाइए, अच्छी नीति है तो उसके बारे में बतलाइए। जर्नलिज्म का एथिक्स ही नहीं रहा है अब तो, आके आप मुसलमानों के बारे में गाली दे दो, उसको जर्नलिज्म बोलते हैं। ये जर्नलिज्म क्या उनको आता है? जर्नलिज्म ABCD नहीं जानता वो जर्नलिज्म का। Okay. वो क्या बात करेगा? पाकिस्तान में देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, हर मूवी में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसमें जो है, इस मूवी के लिए मैं सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ शाहरुख खान की पूरी होल टीम को, कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के साथ हाथ बढ़ाया दोस्ती का। अफगानिस्तान को दिखाया गया इसमें, ये नहीं दिखाया गया कि तालिबान है, ये बारूद है, ये गोला है, उसने दिखाया कि तालिबान अफगानिस्तान में भी अच्छे लोग हैं। और सबसे पहली बात कि जिस तरीके से हर मूवी में मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाता है, इस मूवी में नहीं दिखाया गया। और मैं ये खुलेआम बोलता हूँ कि अगर किसी भी मूवी में मुसलमानों को आतंकवादी दिखाया जाएगा, उनके सर पर टोपी डाला जाएगा, उनको दाढ़ी लगा के उनको दिखाया जाएगा, विजुलाइज किया जाएगा, तो उसका पुरजोर विरोध होगा। तो इन्होंने बताया तमाम जो है। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर, आपने मूवी देखी? बिल्कुल देखी। कैसी लगी? मैं तो 400 देख चुका हूँ। 400 देख लिए? 400 देख चुका हूँ मैं अभी तक। इतने बड़े फैन हैं आप? किसी हॉल में देख चुका हूँ और एक अभी आप देख रहे हैं, मैं देख के भी निकला। ओके। फैन तो देखिए, मैं किसी का नहीं हूँ फैन, सिर्फ अपने आप का। लेकिन जहाँ तक पठान की अगर बात है, तो पठान फिल्म देखने का मेरे सिर्फ इतनी सी वजह है कि जो जिस तरीके से विरोध हुआ ना पठान फिल्म का, तो मैं ये देखना चाहता था उसमें क्यों विरोध हो रहा है, किस लिए विरोध हो रहा है। कभी कभी रंग को लेकर के, कभी वो दीपिका पादुकोण ने कपड़े पहन लिए उसके रंग को, ड्रेस पहन लिए सनातनियों को। सबसे पहली बात तो देखिए, किसी रंग से अगर सनातनी बदनाम हो जाए ना, तो ये बताइए क्या सनातनी रंग से जुड़ा है या रंग सनातनी से जुड़ा हुआ है? रंग से कोई किसी का धर्म नहीं जुड़ा हुआ, किसी का किसी। अगर आप रंग की ही अगर बात करेंगे कि उसमें अगर रंग की वजह से उसका बायकॉट किया जा रहा है, तो रंग मैं आपको बता दूं, उसमें सिर्फ एक ही रंग नहीं है, उसमें बहुत रंग है।
तो उसमें सभी रंग का देखिए भगवा को जो इस्तेमाल किया गया उन्होंने वही पकड़ लिया। क्यों क्यों तिवारी जब खटिया तोड़ते हैं तो वो ठीक है, रवि किशन जब वो है ना एक से एक बीजेपी। मेरी बात बताए, मुझे बताइए, देखिए हमें भी तकलीफ इस बात की है कि जब रवि किशन और ये लोग जब क्या कहते हैं भगवा पहनते हैं और उस पे उनकी धार्मिक चीज होती है उसको गाने में लेकर के आते हैं उसको पहनते हैं, वो अपमान नहीं कर रहे हैं वो लोग, उसका दुख हमें भी है, उसका दुख हमें भी है। भगवा पे पेटेंट है क्या? आप कल्चर नहीं है, भगवा का भी हिंदुस्तान के कल्चर को बर्बाद कर रहे हो आप। हिंदुस्तान आप ये देखिए हिंदुस्तान का कल्चर है, सनातनी लोगों से कल्चर है हिंदुस्तान का, मुसलमानों से इतने सारा सब कुछ। प्राची साध्वी कह रही है कि खाली पड़े हैं। प्राची साध्वी का तो ऐसा है देखिए वो पागल दिमाग से माइंडेड है वो। अभी देखिए अभी आपने फिल्म का सो खाली कैसे दिखा रहे हैं वो लोग, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अभी क्या है फिल्म के टाइम नहीं है, है ना, फिल्म का शो फुल चल रहा है, हाउसफुल चल रहा है, आप चले जाइए उस तरफ, लेकिन ये टाइम एंट्री का नहीं है। तो भाई एंट्री का टाइम नहीं है तो यहाँ पे लोग कहाँ से आएंगे? भाई जब एग्जिट का टाइम हो तो आइए, देखिए भीड़ लगी पड़े है। सुदर्शन उसका जो पत्रकार था, आप 4 बजे से शो है, आप 5 बजे जाकर दिखाते कि देखिए सिनेमा हॉल खाली है। भाई सिनेमा हॉल खाली नहीं है, सब सिनेमा हॉल के अंदर है और आप बाहर है, जैसे क्योंकि आप अंधभक्त है। मुझे अंधभक्त बता रहे हैं? नहीं आपको नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं दर्शन न्यूज का जो पत्रकार है वो पीवीआर के सर्कल के पीवीआर पे खड़े होकर, आपने सुदर्शन न्यूज के पत्रकार को कभी सुना है? हाँ। आप भी पत्रकार हैं, हाँ। आप सवाल इतने अच्छे से कर रही हैं, हाँ। उनको कभी सुना है आपने? हाँ, सुना है, इसीलिए वो तो छा रहे हैं। देखिए वो टीवी पे बैठ करके, वो टीवी थोड़ा सा बात करने बैठ करके सिर्फ वो लड़ाई कराने का काम करते हैं। आप उनको सुनिए, वो तो बम बोला उनके, आप बायकॉट कर रहे थे, उनके अब सेंटीमेंट हर्ट नहीं हो रहे, बल्कि मैंने तो देखा है कई बायकॉट वायरल हो रहे हैं, जो बायकॉट कर रहे थे वो देखने जा रहा हूँ। बायकॉट पद्मावत फिल्म का भी हुआ था, आपको याद होगा, लेकिन क्या हुआ सुपर हिट गई ना फिल्म वो, तो बायकॉट पठान का भी क्या हुआ ब्लॉकबस्टर जा रही है ना। बायकॉट किसी भी फिल्म का आप करेंगे, सिर्फ पठान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी फिल्म का करेंगे, कश्मीर फाइल का भी हुआ आप करेंगे ना, तो वो ब्लॉकबस्टर जानी है, वो हिट होनी है। पॉइंट मैं जो बोलना चाहूंगा, तमाम जो एक्टर है, जो सितारे हैं, जो बुलंदियों पे है, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए जिस तरीके से आज बायकॉट गैंग ने आपका बायकॉट किया, लेकिन देश के जितने भी सेकुलर है, जो अमन पसंद लोग हैं, उन्होंने आपका समर्थन किया है। तो ये जिस तरीके से जब जुल्म होता है, जालिम जब जुल्म करते हैं मजलूमों के ऊपर, तो ये बड़े बड़े सितारे जो खामोश रहते हैं इसलिए कि हमारी फिल्म फ्लॉप ना हो जाए, तो उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो बायकॉट गैंग है ना, ये चुटकी भर है, कुछ चंद लोग हैं, उनकी फिक्र मत कीजिए। जिस तरीके से आज हमने आपके लिए स्टैंड लिया, तो कल आप भी हमारे लिए स्टैंड लीजिए, सब कुछ भूल कर कि आपकी फिल्म फ्लॉप होगी कि हिट होगी। ये मेरा सलमान खान, शाहरुख खान, जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, उन सारे लोगों तक पहुंचा दीजिएगा। मध्य प्रदेश में बजरंग दल वालों ने मूवी नहीं देखने दी, उनसे सिनेमा हॉल खाली करवा लिया और फिर नबी का नाम लेकर के उनको बोलने लगे। एक बात मुझे बताइए, कोई भी दल हो, फलाना ढिमकाना, मुझे तो पता नहीं कौन कितने दल है, मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, दल साबित करेंगे कि फिल्म ब्लॉकबस्टर जाएगी, फिल्म क्या जाएगी, फिल्म को बायकॉट करने, उनके बायकॉट करने से क्या? आप एक बात बताओ, शाहरुख खान को समझती हैं आप? शाहरुख खान क्या है, क्या चीज़ है वो, समझती हैं आप? शाहरुख खान वो चीज़ है जो आपने उसकी माय नेम इज़ खान फिल्म देखी थी, पूरे महाराष्ट्र ने उसका बायकॉट किया था, पूरे महाराष्ट्र ने बायकॉट किया था, पूरे पूरे हिंदुस्तान ने बायकॉट किया था। खाल खींचने की बात करें, कोई न जाने, पूरे पूरी दुनिया के अंदर कोई न जाने, लेकिन शाहरुख खान को दुनिया में हर कोई जानता है, बच्चे जानते हैं। और ये जो आप बजरंग दल और एक घंटे में उनका आ गया शाहरुख खान से श्री शाहरुख खान, आपने नहीं देखा ट्वीट? नहीं देखा ट्वीट एक घंटे में शाहरुख खान से श्री शाहरुख खान। पहले हेमंत विश्वा की ये बात तो कर लेते हैं, वो वाला ट्वीट पे भी आ जाऊंगी। अरे पहले अच्छा, मूवी देखी आपने पठान? हाँ देख लिया। देख कैसी लगी? ठीक ठाक मूवी है, ठीक ठाक है। देखिये शाहरुख खान उस लेवल का स्टार नहीं है, वहाँ पे जॉन इब्राहिम के अपोजिट में ऋतिक रोशन को रहना चाहिए। ये शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, ये सबकी उम्र खत्म हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो अभिषेक है। ओके, हाँ तो नाम क्यों पूछा आपने? नाम मैं सबसे पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछ रही हूँ। और नहीं पूछना चाहिए था? नहीं नहीं पूछिए, और पूछिए सवाल और कोई। अभी तो आप इतना बरकरार और थे, इतना तड़प रहे थे बताने के लिए, बोलिए ना भाई। क्या सवाल पूछिएगा तभी तो आंसर देंगे। पहला सवाल आपने पूछा कि मेरा नंबर आएगा कि
नहीं आएगा, मैंने नंबर दे दिया। पठान मूवी ऋतिक रोशन की, पठान में शाहरुख खान है तो आप ऋतिक रोशन की बात कर रहे हैं, कोई मिल गया देखने आए थे क्या भाई? बता रहा हूँ आपको कि शाहरुख खान का लेवल वो मैच नहीं कर पाया जॉनी इब्राहिम से। आपको डायरेक्टर होना चाहिए तो भाई, कहाँ यहाँ बैठे हुए आप कहाँ रहते हैं? आदित्य चोपड़ा साहब से आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप शाहरुख खान के फैन हैं? देखिए मेरे को ही फैन बना दिया। मैं शाहरुख खान की इज्जत करता हूँ। अभी एक मिनट, ये तो पर्सनल हो गया ना, मैं अगर फैन हूँ या नहीं हूँ वो पर्सनल हो गया। पर्सनल क्या है कि नरेंद्र मोदी को जानता हो या नहीं जानता हो, शाहरुख खान को दुनिया जानती है। वैसे तो रोनाल्डो को भी सारी दुनिया जानती है, शाहरुख खान को भी। मैं उसके बाद देखिए जो देश का प्रधान, ये बताइए समर्थन में है कि नहीं है बायकॉट हो रहा है तो ये पठान के? अरे बायकॉट किसी की रोजी रोटी की सवाल है, ऐसा थोड़ी ना कि अब शाहरुख खान है, आदित्य चोपड़ा है, बाकी लोग बायकॉट कर रहे हैं, रोजी रोटी का सवाल है। बायकॉट करने वाले को रोजी रोटी मिली है ना? नहीं नहीं, मतलब बायकॉट किसी को भी किसी की मूवी नहीं करनी चाहिए, सबने मूवी को रिलीज करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। अच्छा। लेकिन आप किसी से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे भाई जान ने बोला कि भाई साहब ने कहा कि शाहरुख खान बहुत बड़ा एक्टर है, भाई साहब ने कहा कि हाँ है, तो इस बात नहीं है तो अरे भाई बोलने दीजिएगा आप मेरे को। शाहरुख खान की आपसे ज्यादा मूवी हमने देखी है। अच्छा। और मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा देर तक मैं शाहरुख खान पे बोल सकता हूँ। बोलिए ना, आप तो सबसे बड़े फैन हैं। मैं नहीं, जैसे बायकॉट गैंग की बात नहीं है, बायकॉट मैंने कहा अभी आपको कि बायकॉट बोल रहा है, जुबान कुछ बोलता है। ये कैसे दो तरह के लोग मिल गए हैं, एक पठान को देखने वाले हैं और एक शाहरुख खान बायकॉट वाले। अनुपम खेर ने भी फिल्म देखी है, कंगना रनौत ने भी देखी है। कंगना रनौत हाँ, देश की बेटी, देश की बेटी कंगना रनौत थोड़ी है। फिल्म इतनी बढ़िया बनी है कि आपको देखना चाहिए भाई। देश की बेटी, देश का बेटा शाहरुख खान भी है। हाँ। जिस तरीके से देश की बेटी कंगना रनौत, आप किसी भी एक मजहब, एक धर्म और एक विचारधारा से समर्थन मत लीजिए। हाँ। आपको मैं बता दूं, मूवी मिला जुला करके ठीक था, कोई इतना भी बड़ा ब्लॉकबस्टर नहीं थी। 70-80 करोड़ कमा लिया, क्योंकि शाहरुख खान का एक फर्स्ट डे पर 100 करोड़ पार कर गई भाई। 100 करोड़ हो, 70 करोड़ हो, 80 करोड़ हो, पहले दिन जहाँ तक मुझे पता 70 है। हिस्ट्री रिकॉर्ड है, ऐसी 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 फ्लॉप, जिसको फ्लॉप फिल्म बोला जा रहा था, ऐसी पहली फ्लॉप फिल्म है जो भैया 100 करोड़ पार कर। फिल्में तो बनेगी, कोई अब 150 करोड़ कमाएगा, कोई 200 करोड़ कमाएगा, अभी सलमान खान का कोई और आ जाएगा। वो बायकॉट हो रहा है, उसके मैं बात कर रही हूँ। बायकॉट अगर मैंने कहा ना आपको, बायकॉट का समर्थन मैं नहीं करता हूँ, लेकिन कोई भी आदमी है इस देश के अंदर, चाहे वो शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो, मिलजुल करके तो रहना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है फिर आपके पास? देश से बाहर फिर जाना पड़ेगा अगर आप मिलजुल करके नहीं रहिएगा तो। मिलजुल कर तो रहने वाले बहुत सारे लोग अमेरिका जा रहे हैं अभी, जो अमेरिका, जो यूके का वो बना हुआ है प्रधानमंत्री, क्या नाम है? अभी अडानी भी भागने वाला है। सुनक, ऋषि सुनक, अब वो इंग्लैंड में रह रहा है, तो उसको देश में मजा नहीं आया, इंग्लैंड चले गया। अच्छा, मजा नहीं आया इसलिए इंग्लैंड चला गया भाई? पढ़ाई की है उसने, वहाँ पे पढ़ा है इतना अच्छा। माइक लगाइए फिर बोलता हूँ। जिन्ना ने कौन सा पढ़ाई, जिन्ना ने कौन सा पढ़ाई कर करके वहाँ पाकिस्तान बना दिया? अरे जिन्ना भाई साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आपकी भावनाओं को मैं समझ नहीं पा रहा। मैं बता रहा हूँ, मैं जितने भी पाकिस्तान पे चले आएंगे भाई। अच्छा सुनिए, अच्छा सुनिए, 26 को गॉड से भी रिलीज, 26 को गॉड से भी रिलीज हो रही है, वो देखने जाएंगे? गॉड से भी जाएंगे देखने, गॉड से तो। और मैं बता रहा हूँ, जितना गांधी जो है जिम्मेदार था पार्टीशन में, उतना ही बड़ा जैसे जिन्ना था उतना बड़ा गांधी भी था। तो गोडसे ने सही काम क्या, गलत काम क्या, ये मेरे को नहीं पता है। गांधी था बोल रहे, इज्जत से बात करिए, पिताजी है भैया, वो पिता है। किसके पिता? महात्मा पिता, भारत के। किसके पिता है? आपके पिता, राष्ट्र के पिता है भाई, राष्ट्र के पिता। नाम लीजिए, आप ये बताइए, आपसे गांधी भी था यार? एक एक करके सवाल पूछो मेरे से, परेशान हो गए अभी लग रहा है मेरे को, परेशान हो गए सवालों से। मेरा एक सवाल, गांधी जी को गोडसे ने मारा, गोडसे को आप आतंकवादी कहेंगे या नहीं कहेंगे? देखिए आतंकवादी कहना नहीं कहना ये सब हम लोग कौन डिसाइड करते हैं, वो UN डिसाइड करेगा किसको आतंकवादी कहना है किसको नहीं करना। सर वो गलत है या नहीं है? देखो राष्ट्रपिता को कोई भी आदमी, आप कोई आपका आपको मार देता है। भैया भैया कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं? बायकॉट कहाँ यार, मूवी देख के आ रहा हूँ। मूवी देख के आ रहे हैं फिर भी इनको
थोड़ा सा हर्ट हो रहा है। मिलाकर एक बात समझ लीजिए, कुल मिलाकर एक बात समझिए, जो लोग शाहरुख खान सलमान खान का विरोध कर रहे हैं, जो लोग शाहरुख खान और सलमान खान का विरोध कर रहे हैं, मूवी के लास्ट में शाहरुख खान सलमान खान ने एक ही बात कही है कि इस देश को हम जैसे लोगों की जरूरत है, क्योंकि इस देश को अंधभक्तों के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं, अंधभक्तों के हाथ में नहीं छोड़ सकते। अभी इन्होंने कहा था, अभी आपने जब कहा था, आप आ रही है, आपको मैंने पूरा वक्त दिया है बोलने का, लेकिन आप बोल नहीं पाए। ज्वाइन कीजिए, कहां भाग जाते हैं, ज्वाइन तो कर ही हुए हैं वो। क्या इन्होंने कहा है कि भारत को जरूरत है ऐसे ऐसे लोगों की, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, विराट कोहली की जरूरत नहीं है। अरे भाई, आप बात को भाई बात नहीं समझे, आप बात को घुमा के लेके जा रहे हैं। देखिए, वालों की जरूरत नहीं है भारत को, भारत देखिए, इनको भी चश्मा, इनका चश्मा अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? बहुत देर से मैं देख रही थी, आप कह रहे हैं कि मेरे से भी बात करिए। मोहम्मद वजाहत। कैसी लगी मूवी? बढ़िया। ये भैया तो बोल रहे हैं कि देखिए ठीक ठाक है कुल मिला के। इन्हें खान दिख रहा है ना उसमें, नाम है इनका। हाँ, इन्हें खान दिख रहा है। नाम से फर्क पड़ता है, उर्दू नाम से बिल्कुल फर्क पड़ता। अच्छा, मूवी को कितना स्टार देना चाहेंगे? बढ़िया। कितना? पाँच में से कितना देना? पाँच ही दें, छह दे देंगे हम। पाँच में से छह दे देंगे। तो देखी मूवी आपने? बढ़िया है। अब टिकट भाई की भी एंट्री है, भाई जान की भी एंट्री अभी इतने भी आ रही है उनकी फिल्म, तो वो भी देखेंगे। देखेंगे बिल्कुल। बायकॉट हुआ इसलिए देख रहे हैं या फिर? नहीं नहीं, शाहरुख खान के फैन है। फैन है उनका, हम फैन है, है। भैया फैन भी है यहाँ पे लगातार जो है। देखेंगे भी आगे, वो भी देखेंगे। मानता हूँ कि मीडिया वाले भाग रहे हैं मेरे से सवाल का सही जवाब, भाग रहे हैं आपसे इतना आधा। आपको मैंने पूरा 25-30 मिनट दे दिया, भैया आप क्या चाहते हैं कि आप ही के पास बैठ जाओ? 30 मिनट तो अभी मूवी खत्म हुए हुए नहीं हुआ है, अभी तो 22 मिनट। आप क्या चाहते हैं, आप ही के सामने माइक लगा के रखे रहूं? माइक नहीं लगा, दूसरों से बात नहीं करें। जैसे कंगना के बारे में पूछे, इनकी अच्छा कंगना पसंद है कि नहीं है? देखिए, भारत में कंगना रनावत, कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, सारे लोग मेरे को पसंद हैं, जो भी इस देश में रहते हैं, इस देश का गुणगान करते हैं। तो क्या है, स्टार्स है वो, स्टार्स है। देखिए, हर आदमी अपने आप में स्टार है, आप भी स्टार हो, आपको भी किसी दिन, आपका भी तो कोई फेवरेट पत्रकार होगा, कोई ना कोई रोल मॉडल होगा। क्या बनना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी में? कौन सा? रविश कुमार। मेरे से ही पूछ लीजिए। रविश कुमार बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में? मेरा इंटरव्यू कर लीजिए, ले लीजिए माइक। मैं तो ये मानता हूँ कि भारत एक स्वतंत्र देश है। हाँ। और जितने तो भी लोग बोल रहे हैं कि क्या स्वतंत्र नहीं है? अरे आप, मैंने ये कहा कि नहीं है, वो भी तो यही बात कह रहे हैं भाई। मैं ये मानता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब भारत के अंदर आते हैं, चाहे शाहरुख खान, आमिर खान। आपको तगड़ा वाला मंच देना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं इतना टाइम आपको नहीं दे पाऊंगी। आपको चाहिए मंच, और आप सारी बातें जो है ना बहुत अंदर का। तीनों भैया माइक ही छीन लेती हूँ मैं, क्या करूँ यार अभी। अरे कितना भाई, आपको कितना वक्त दूँ? देखिए लगातार इनको टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इनकी भावनाएं निकल के नहीं आ पा रही हैं। सीधी बात में बता, जितने भी ये भक्त ना जो विरोध करने बैठे, उनके लिए सिर्फ एक डायलॉग काफी है, चने खाने वाले बादाम के बाद कभी नहीं मारते, ये याद रखिएगा। दूसरी बात, एक फिल्म का डायलॉग, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बदलने वाला, बदल पूरा बदल दिया, बदल गया, देखो मौसम बदल गया, बिगड़ गया। आपको बता, मौसम कभी नहीं बिगड़ा है, मौसम बदलने वाला नहीं, बिगड़ने वाला नहीं। 24 में कम से कम 412 सीट का रिकॉर्ड का खत्म होगा रिकॉर्ड। आप 400 आ गए आप भाई साहब, कहाँ पे आए? पॉलिटिक्स पे आ गए। मैंने किसी पार्टी का नाम लिया? मैं बात, एक मिनट, मैं बात पठान की कर रही हूँ, मूवी की कर रही हूँ। मैं पठान की बात करी, मूवी की बात करी, मेरे को तो लग रहा पठान देखी है आपने? नहीं, पठान देखी आपने? एक मिनट, एक मिनट भाई रुकिए ना, मैं देखा सारे, सुनिए ना भाई, मूवी देखी आपने? क्या? हाँ, मूवी देख ली। कोई एक डायलॉग बता दीजिए मुझे। डायलॉग वायलॉग नहीं, मैं यार किस कोई और जो मैं अपना पैसा देके तो नहीं आए, एजेंडा चलाने। आप ये बताइए, आपने कितनी मूवी देखी है? जल्दी बोलिए, आप कितना मूवी देखे हैं? मैं बहुत देख ली मूवी। कौन सा आपने? भाई मेरे को छोड़िए ना, आप मेरे से ही सवाल कर रहे हैं। चलिए आप बताइए कि मूवी देखी कि नहीं देखी? कौन देख लिया मूवी? फर्स्ट क्लास का मूवी। एक भी डायलॉग बताइए जरा। अरे मूवी का डायलॉग यार क्या करेंगे याद करके, दुनिया भर का सिलेबस पढ़ा हुआ है आपने, अरिस्टोटल पढ़ा है, मैकियावेली पढ़ा है, प्लेटो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या है? एक मिनट, पता ही नहीं है कुछ, पढ़े ही नहीं हो, यही पढ़े ही नहीं है आप। हैदराबाद में मूवी का याद करेंगे? क्या पढ़े हैं आपने? कौटिल्य पढ़ा है? ये सुनिए, कौटिल्य चाय रखे पे आ गए आप, बात हो रही है पठान की, भाई आप बड़े वाले भक्त लग रहे हैं।
मैम सर आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे, एक रिपोर्ट पढ़े, अभी अडानी भागने वाला पूरा पैसा ले। अडानी कहीं नहीं भागेगा, अडानी नहीं भागेगा, नहीं भाग रहा, आपने गारंटी ली है। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ये, आपने व्हाट्सएप, एक मिनट, आपने अडानी की, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं ये, अडानी की आपने ले रखी क्या, जो बोल रहे कि नहीं भागेगा भाई, आपकी बात हुई क्या? अब कल को कोई कह देगा कि शाहरुख खान भाग जाएगा, भाग जाएगा, आपकी अडानी कोई नहीं भागेगा। 2.5 मिलियन उनका शेयर अभी धराम हो गया एक रिपोर्ट से, रिपोर्ट उसके पास एसेट्स देखिए, विजय माल्या भाग गया, कोई और भाग गया, उसके पहले भी कई लोग भाग गए, तो उससे ये लोग तो देश का पैसा लेके भाग रहा है। वो सब नीरव मोदी का क्या ताल्लुकात है हमसे, नीरव मोदी का सवाल क्यों पूछ? अच्छा अभी अडानी का क्या ताल्लुकात था? तो अडानी नहीं भागेगा। अभी सीट का क्या, 2024 में सीट का क्या ताल्लुकात था? हमने किसी पार्टी का नाम लिया? आपके पास कैमरा है, आप देखिए हमने किस पार्टी का नाम लिया। पार्टी की तो मैं बात ही नहीं कर रही, सीट की बात कर रही हूँ, वहाँ कोई ताल्लुक था? देखिए हमने संविधान पढ़ाया हुआ है, हमने सीट देखा, हमने नहीं पढ़ा हुआ है। संविधान का फोर्थ पिलर आप बतलाइए क्या है? देखिए संविधान का फोर्थ पिलर ये पूछ रहे हैं, मैं संविधान का 10 पिलर बता दूंगा, ये फोर्थ में ही है, फोर्थ ही बता दीजिए, नहीं नहीं है 10 पिलर जब, अरे दस, अरे यार बताइए, चार है, बताइए बताइए, जब इनका कहना है कि डेम, पहले सुनिए, ये फोर्थ पिलर इसको कह रहे हैं कि मीडिया और डेमोक्रेसी को, ऐसे ऐसे कई चीजें हैं। क्या है, कौन कहा है कि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है फोर्थ पिलर है? अरे भाई संविधान की सिर्फ फोर्थ पिलर का नाम बतलाइए, 1 2 3 4। आप मेरे को बता दीजिए कि कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है संविधान का फोर्थ पिलर है? जस्टिस है, जस्टिस को क्या बोला जाता है, क्या होता है जस्टिस, क्या है, क्या है, क्या है, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, क्या है? तो तुम्हें पता ही नहीं यार, आप पिलर है, आप बताओ ना, जस्टिस पिलर है, कह रहा हूँ कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके आए हैं। मैं जस्टिस की बात कर रहा हूँ, अरे सुधांशु इधर आ जाइए, बोलना है तो पिलर बता रहे, आ जाइए, अगर उधर से बता रहे तो आ जाइए, 10 कैमरा पे नहीं आते हैं, कैमरा पे हम ही आते हैं, पार्टी का प्रवक्ता हम ही हैं। वेट 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 वेट, एक मिनट, पार्टी के प्रवक्ता है, किस पार्टी के प्रवक्ता? उनके पार्टी का प्रवक्ता हम है, वो कैमरा पे नहीं आते, वो कैमरा पे नहीं आते, आप बोलने आते हैं इसीलिए आ गए अभी। अच्छा है, यानी आपको पैसा दे के भेजा है, प्लांट है, प्लांट है, ये जो है ये तो हमारे यहाँ से ही है, ये हमारे यहाँ से ही है, सीतामढ़ी से हैं, इनको खुद ये मेरे को पिछले 15 सालों से जान रहे हैं, और ये 10 सालों से जान रहे हैं, हम लोग एक तरह का एक्टर है खुद, वो तो जानते भी नहीं भाई, जबरदस्ती मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, भारत में हर कोई हर किसी को जान रहा है, मान ना, ये बताइए उनका जवाब, आप शाहरुख खान को जानते हैं, उनका जवाब दीजिए, पैसा कितना मिला भाई? देखो सन 2024 में सीट की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है, मतलब कौन से सीट की? आपने अभी बोला पार्टी के प्रवक्ता, यानी कि आप प्लान के हिसाब से आए, पूरा प्लान मैं मानता हूँ कि देखो अभी ना पिछले आने वाले कई सालों, आपको मैंने बहुत टाइम दिया, आप टाइम खराब कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तमाम लोग थे जो अभी आपने देखे यहाँ पर, इतने लोग जो देखने आए मूवी, तो यहाँ पर ये लोग जो है आपने देखा कि एक तरफ जो है समर्थन वाले भी थे, और एक तरफ समर्थन करते हुए भी जो बोल रहे हैं ऋतिक रोशन होना चाहिए था, तो आप देख सकते हैं ये तमाम लोग जो है बत्रा सिनेमा के पास मैं मौजूद हूँ, फ्रेंड्स कॉलोनी के, तो यहाँ पर जितने भी लोग जो आज थर्ड डे था उसके बावजूद भी सिनेमा हॉल्स पूरे भरे पड़े हैं और पठान देखने आए हैं। पठान बायकॉट करने वालों को ये करारा तमाचा है उनके मुंह पर, जो पठान का बायकॉट कर रहे थे लगातार, और तमाम लोग आज भी टिकट्स लेकर, टिकट्स नहीं मिल रही है लोगों को, हाउसफुल्स जा रहे हैं, और जो टीवी मीडिया दिखा रहा है, सबसे पहले मैं चौहान के की बात करूंगी, तो वो बता रहे हैं कि भैया सिनेमा हॉल खाली पड़े हैं, तो वो आपको मैं दिखा दूं कि यही एक सिनेमा हॉल नहीं है, तमाम सिनेमा हॉल्स भरे पड़े हैं, टिकट्स मिल नहीं रही है लोगों को, और इस तरीके की यहाँ पर लोग जो है पूरा लगातार देखने आ रहे हैं, अपने शाहरुख खान की जो फैन है वो देखने आ रहे हैं। तो इसी के साथ देखते रहिए जनित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में, पूजा, बत्रा सिनेमा, बत्रा सिनेमा दिल्ली।